दोस्तों तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 3 लाख रुपए है मासिक वेतन, फिर भी 100 पद हैं खाली। और क्या है एलिजिबिलिटी, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर दोस्तों जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है प्रमोद राणा। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल आ जाएगी और जल्दी से फॉलो पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप फॉलो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैसेज का ऑप्शन हो जाएगा, आप मैसेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर बहुत से कोर्सेज डाले गए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। SSC हुआ, रेलवे हुआ, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हुआ, MP करंट अफेयर, सामान्य हिंदी हुआ, इन सबकी दोस्तों आप PDF फाइल भी दोस्तों फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से वहाँ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों डेमो के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो अब मैं ले चलता हूं दोस्तों डायरेक्ट आपको खबर पर। एक खबर तो ये निकल के आ रही है, 3 लाख रुपए है मासिक वेतन, फिर भी 100 पद हैं खाली। इसी के साथ साथ दोस्तों बिहार की गैंग पकड़ी गई है। इंदौर में रेल भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई, बिहार की गैंग की तलाश हो रही है। तो पहले मैं आपको ये खबर बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए सरकार 3 लाख रुपये सैलरी देने तैयार है, लेकिन कड़ी शर्तें होने से डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए पूरी खबर क्या है, सरकार 3 लाख रुपए मासिक वेतन देने तैयार हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। अस्पताल में 100 पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक एक भी आवेदन डीन कार्यालय तक नहीं पहुंचा। दरअसल सरकार का नियम है कि जो भी डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में काम करेगा वह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। क्या प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि वह अपनी निजी प्रैक्टिस बंद करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते। बहरहाल इसके लिए भवन तो तैयार हो गया, लेकिन वहाँ इलाज कब शुरू होगा खुद अधिकारी भी नहीं जानते। और हॉस्पिटल में दोस्तों बताए गए हैं ये इलाज ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने पद बढ़ने हैं। प्रोफेसर के दोस्तों 25, एसोसिएट प्रोफेसर के 25, असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने 50 पद। पदों की भर्ती के लिए अंतिम तिथि दोस्तों कितनी है, 30 अगस्त है। विशेषज्ञों की भर्ती के बाद नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाना है। उच्च पदों के लिए विशेषज्ञ मिलना कुछ मुश्किल हो रहा है। अस्पताल कब से शुरू होगा यह अभी कहना मुश्किल है, ये डायरेक्टर ने कही है। पदों की भर्ती के लिए यदि आवेदन नहीं आते हैं तो ये कह रहे हैं कि हम आवेदन की तारीख बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों जो जो एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको मैं ये खबर बता देता हूँ, इंदौर में रेल भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई, बिहार की गैंग। इंदौर आरक्षक बैंक पीओ और रेलवे भर्ती परीक्षा के दौरान बिहार की गैंग सक्रिय हो जाती है। रुपए देकर असली छात्रों के स्थान पर फर्जी छात्र परीक्षा देने के लिए आते हैं। कई बार 2 छात्रों के बीच परीक्षा देने का लाखों का सौदा, तो कई बार बिचौलिए के जरिए फर्जी छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं दिन ब दिन बहुत से न्यूज़ आ रहे हैं और बहुत से रेल भर्ती में भी बहुत से जो फर्जी छात्र बैठे जा रहे हैं, पुलिस इनको कर रही है। इसमें ज्यादातर दोस्तों बिहार की गैंग का शामिल होना बताया जा रहा है। और जल्द से जल्द जैसे और भी न्यूज आती है तो मैं आप तक न्यूज पहुंचाऊंगा। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।